हेलो फ्रेंड्स, मैं संजय और आप सबका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। और आज डिस्कस करेंगे हम लोग डीसीए का जो फर्स्ट सेम का 31 को, यानी कि आपका पेपर होने वाला है, उस पर बात करेंगे, जिसका पेपर है डाटाबेस यूजिंग एमएस एक्सेस। ये आपका डीसीए फर्स्ट सेम वालों का है और पीजी डीसीए फर्स्ट सेम वालों का भी यही है, ठीक है। 31 तारीख को है, ठीक है। तो इसके बारे में हम लोग देखेंगे। ये जनवरी फरवरी का पेपर है जो 2022 में शुरुआत में हुआ था, उसी का ये पेपर है, ठीक है। तो इसका पेपर कोड वगैरह सब दिया गया है, आप इसमें देख सकते हैं। हम देखते हैं, इसमें डिस्कस करेंगे कि किन किन टॉपिकों को ये हाईलाइट करके उन टॉपिकों से क्वेश्चन बना रहा और क्या आपके लिए हेल्पफुल है, ठीक है। तो आपको जरूर ये डीसीए और पीजी डीसीए दोनों को देखना है और समझना है, ठीक है। तो इसमें ताकि आपको समझ में आए, क्योंकि दोनों का सिलेबस सेम है, लगभग लगभग सेम है, और इसमें हम लोग देखेंगे कैसे बना रहा। तो देखिए, यूनिट फर्स्ट में जो दिया गया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इसमें क्या दिया गया, डाटाबेस क्या होता है। सबसे पहले जो, यानी कि सब्जेक्ट का नाम है डाटाबेस यूजिंग एमएस एक्सेस, यानी डाटाबेस यूजिंग, यानी डाटाबेस को यूज करते हुए एमएस एक्सेस आप प्रोग्राम करना है, प्रोग्रामिंग करना है। तो सबसे पहले आपको डाटाबेस तो पता होना चाहिए, कम से कम डाटाबेस क्या होता है, ठीक है। तो डाटाबेस क्या है, प्राइमरी की और फॉरेन की को उदाहरण सही समझाएंगे। डाटाबेस आपको लिखना सबसे पहले, फिर आपको क्या बताना है, प्राइमरी की क्या है और आपकी फॉरेन की क्या होती है, इनके बारे में भी आपको एग्जांपल लेकर के आपको एक्सप्लेन करना है, ठीक है। सबसे बड़ी बात, व्हाट इज डाटाबेस, एक्सप्लेन प्राइमरी की एंड फॉरेन की विद एग्जांपल, एग्जांपल के साथ आपको ये चीज बताना है। अच्छा, अथवा में देख लेते हैं क्या है क्वेश्चन नंबर सेकंड, एमएस एक्सेस क्या है। एमएस एक्सेस, उसका नाम ही देखिए, पहले क्या था, डाटाबेस यूजिंग, तो डाटाबेस के बारे में पूछ लिया। अब कहा एमएस एक्सेस, तो एमएस एक्सेस क्या है इसके बारे में पूछा, और इससे ऑब्जेक्ट्स को समझाइए, इसके उद्देश्य आखिर एमएस एक्सेस का टारगेट क्या है, ये किस लिए पढ़ाया जाता है, किस लिए पढ़ा जाता है, इसका उद्देश्य क्या है, टारगेट एम क्या है, वो आपको बताना है। व्हाट इज एमएस एक्सेस, एक्सप्लेन इट्स ऑब्जेक्ट्स, इसके ऑब्जेक्ट आपको बताने हैं, ठीक है। अच्छा, आरडीबीएमएस क्या है, यह है क्यों प्रयोग में लाया जाता है, ये सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, ठीक है। आर डी बी एम एस क्या है या क्यों प्रयोग में लाया जाता है, व्हाट इज आर डी बी एम एस, व्हाई इज इट यूज, इसका क्या यूज है, यह क्यों प्रयोग में लाया जाता है, तो इसको आपको बताना है। ये सब किससे हाईलाइटेड क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग क्या दिया गया है यहाँ पे, यूनिट सेकंड में दिया गया है आपकी क्वेश्चन थर्ड, एमएस एक्सेस में टेबल कैसे क्रिएट किया। हाँ, एमएस एक्सेल में टेबल क्रिएट करना सबसे पहला काम होता है, आपसे कुछ आया ना आए, लेकिन किसी भी कॉलेज में कुछ पढ़ाया जाए चाहे नहीं, लेकिन टेबल क्रिएट करना आपसे जरूर बताया जाता है, टेबल क्रिएट करना और रिलेशन बनाना, रिलेशनशिप, ठीक है, दो चीज़ें इसमें पढ़ाई जाती है। एमएस एक्सेस में टेबल कैसे क्रिएट कीजिए, डाटा टाइप होता था, टेबल की फील्ड प्रॉपर्टी समझाइए, यानी कि क्रिएट कीजिए, डाटा टाइप्स, डेटा टाइप्स भी बताना है, टेबल की फील्ड प्रॉपर्टी को भी आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा, ठीक है, बिल्कुल। आगे चलते हम लोग समझते हैं यहाँ पे, अथवा दिया क्वेश्चन फोर, निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखना है, आपको टिप्पणी बताना है, संक्षिप्त टिप्पणी बताना है, क्या कैसे कहना है, एक्सप्लेन करना है। तो सबसे पहले आपका दिया गया यहाँ पे, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन द फॉलोइंग, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन द फॉलोइंग कैसे, ऐड एंड डिलीट रिकॉर्ड, डिलीट को ऐड कैसे करें और डिलीट कैसे किया जाता है, ये सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ऐड कैसे किया जाता है रिकॉर्ड को और डिलीट कैसे करना है, सॉर्टिंग एंड फिल्टरिंग डाटा, डाटा को सॉर्ट कैसे करना है और उसमें फिल्टर कैसे लगाना है, ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। रीअरेंज कॉलम्स, कॉलम को रीअरेंज करना यानी कि पुनः अरेंज करना कैसे किया जाता है, फ्रीज कैसे किया जाता है कॉलम को, ये चीज़ आपको बताना होगा यहाँ पे, ठीक है। तो आपको शॉर्ट नोट्स में दिया गया था। अच्छा, इकाई यूनिट थर्ड में चलते हैं हम लोग, तो यूनिट थर्ड में क्या है, एमएस एक्सेस में रिलेशनशिप, ये देखिए रिलेशनशिप का नाम अभी हमने लिया था, रिलेशनशिप आपका आ चुका है, रिलेशनशिप क्या होता है, सही है ना। तो टेबल क्रिएट करना और रिलेशनशिप, ये आपके दो मोस्ट क्वेश्चन, ये हर बार आते हैं पेपर में, ठीक है। एमएस एक्सेस में रिलेशनशिप क्या है, रिलेशनशिप को ऐड तथा डिलीट करने की प्रक्रिया बताइए, रिलेशनशिप को हम ऐड कैसे कर सकते हैं और इसकी डिलीट कैसे कर सकते हैं, रिलेशनशिप कितने प्रकार की होती है, इनके बारे में आपको जरूर पढ़ लेना है, ठीक है। अथवा नंबर, इस अथवा में दिया है संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, संक्षिप्त टिप्पणी में दिया गया है राइट शॉर्ट नोट्स, फिल्टर यूजिंग मल्टीपल फील्ड, फील्ड मल्टीपल फील्ड यानी बहुत सारे फील्ड, वो भी फिल्टर यूजिंग, फिल्टर लगा करके कैसे आप मल्टीपल यूज के मल्टीपल फील्ड में आप बता सकते हैं। रेफरेंटियल है ना, इंटीग्रिटी दिया गया है यहाँ पे, रेफरेंटियल इंटीग्रिटी, इसके बारे में भी आपको लिखना है। फाइंड
अनमैच्ड रिकॉर्ड विद क्वेरी, यानी कि जो वहाँ पे अनमैच्ड यानी कि रिकॉर्ड है और क्वेरी है उनको कैसे आप फाइंड करोगे, ये चीज़ कैसे पता चलेगा। सेव एंड चेंज क्वेरी, ये सेव एंड चेंज क्वेरी कैसे किया जाता है। सेव और यूनिट फोर्थ में चलते हैं हम लोग, तो यूनिट फोर में क्या दिया गया है ये चीज़ हम लोग समझ लेते हैं क्या क्या है। ठीक है, सबसे पहले आप समझेंगे एमएस एक्सेल में चेक बॉक्स। हाँ, चेक बॉक्स बहुत ज़रूरी है, ये चीज़ें चेक बॉक्स, कॉम्बो बॉक्स तथा लिस्ट बॉक्स को समझाइए। ठीक है, एमएस एक्सेल में चेक बॉक्स क्या होता है, कॉम्बो बॉक्स क्या होता है तथा लिस्ट बॉक्स को समझाइए। यहाँ पे तीन चीज़ों को बताया गया है, चेक बॉक्स, कॉम्बो बॉक्स और लिस्ट बॉक्स, इनको आपको हाईलाइट कर लेना है, टिक कर लेना है। ठीक है, तथा लेबल ऑप्शन, लेबल बहुत ज़रूरी है। ठीक है, लेबल पूछा जाता है, लेबल ऑप्शन बटन का उपयोग भी समझाइए, लेबल ऑप्शन बटन क्यों दिया जाता है। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन नंबर 8 दिया, फॉर्म क्या है, क्या फॉर्म क्या है, फॉर्म के प्रकारों को उदाहरण सही समझाइए। एम एस एक्सेस कि विभिन्न व्यूज का वर्णन कीजिए, यानी कि फॉर्म क्या है, यहाँ पे दिया गया सीधा सीधा फॉर्म के प्रकारों को उदाहरण सही समझाना है और एमएस एक्सेस के विभिन्न व्यूज का वर्णन करना है कि व्यूज कितने प्रकार के होते हैं, कैसे होते हैं, ये चीज़ आपको बताना है। चलिए देखते हैं यूनिट नंबर 5 में देखते हैं हम लोग क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 9 दिया गया, एमएस एक्सेस में रिपोर्ट बनाने की प्रक्रिया को समझाइए। रिपोर्ट बनाना भी बहुत ज़्यादा आता है एमएस एक्सेस में। ठीक है, रिपोर्ट बनाने के लिए, टेबल बनाने के लिए, रिलेशनशिप, ये आपके मेन मेन क्वेश्चन चल रहे हैं और इनको समझना है आपको। ठीक है, बिल्कुल। आगे दिया गया है बनाने की प्रक्रिया को समझाइए तथा टोटल रिपोर्ट क्रिएट करने की प्रक्रिया का भी वर्णन कीजिए। टोटल रिपोर्ट भी बनाने की प्रक्रिया का पूरा वर्णन करना होता है आपको। ठीक है, अथवा हम कह रहे संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। संक्षिप्त टिप्पणी कैसे करेंगे आप, देखिए यहाँ पे प्रीव्यू रिपोर्ट क्या है, रिपोर्ट को प्रीव्यू यानी पहले कैसे देखकर आप बता सकते हैं क्या है। सिंगल कॉलम रिपोर्ट, सिंगल कॉलम रिपोर्ट क्या है। मल्टीपल, मल्टी टेबल रिपोर्ट, मल्टी टेबल रिपोर्ट क्या है, बहुत सारे टेबल बना के जो रिपोर्ट तैयार। टेबुलर क्या है, ठीक है, टेबुलर क्या है, टेबुलर फॉर्म में जब टेबल को, डाटा को रखा जाता है टेबुलर, तो उसको आपको बताना है। यहाँ पे कई सारे टिप्पणी ग्रुप में दिया जा रहा है। तो आई होप आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके जाएं और दोस्तों को इनको ज़रूर शेयर करें। ठीक है, और इनको आपको टिक करके, हाईलाइट करके, आपको इन टॉपिक को जरूर कॉन्सेप्ट करके क्लियर में करके ही पेपर पर जाएं, ताकि आपसे ये डर ना रहे कि भाई पढ़े होते तो सही होता, तो आपको ये सब चीज़ें पढ़ कर जाना है एक बार। ठीक है, आई होप आपको बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक सभी को जय हिंद।